तो हेरा फेरी थ्री को लेकर एक अपडेट आई है। वैसे तो हेरा फेरी थ्री को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है पिछले 6 महीनों में। पहले अपडेट आई थी कि ये फिल्म कंफर्म हो गई है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल तीनों होने वाले हैं। फिर 2-3 दिन बाद ये भी अपडेट आई कि अब अक्षय कुमार इस फिल्म से दूर हो चुके हैं, कार्तिक आर्यन को अप्रोच किया गया है। फिर खबर आती है कि कार्तिक आर्यन ने कन्फर्म कर दिया है। फिर रीज़न आता है कि अक्षय कुमार ने क्यों अक्षय कुमार ने क्यों पीछे हट कर ले इस फिल्म से, फी का इश्यू था। तो ऐसा कुछ सब पिछले 6 महीनों से ऐसा सब सुन रहे हैं हम लोग। लेकिन एक और अपडेट आई है हेरा फेरी थ्री को लेकर, और ये अपडेट देखने के बाद तो ऐसा लगे कि कन्फर्म फिल्म बनने ही वाली है। लेकिन अभी तक कन्फर्म ये नहीं हुआ कि कास्ट कौन सी होगी, मतलब कि सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल तीनों हमें एक साथ देखने को मिलेंगे या फिर अक्षय कुमार के बिना ही ये लोग हेरा फेरी बनाने वाले हैं। तो डायरेक्टर को लेकर एक अपडेट आई है, आपने नाम सुना होगा राज सांदलिया का। ड्रीम गर्ल नाम की फिल्म डायरेक्ट की है और अभी ड्रीम गर्ल 2 के शूटिंग में वो अभी बिजी है। मैं आपको बता दूं, ड्रीम गर्ल 2 का शूटिंग लगभग 95% के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। तो अब फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने अप्रोच किया है राज सांदलिया को कि आप हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करो। और दूसरी बात, जो प्रियदर्शन जिस लेवल का डायरेक्शन कर रहे थे उस लेवल तक जाना लगभग अनीस बाजमी ये कर सकते हैं, बाकी ये राज सांदलिया तो आजकल के डायरेक्टर है तो उस लेवल का काम तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो अगर राज सांदलिया इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिल्म के लिए थोड़ी हानि हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर अनीस बाजमी होते तो कहीं ना कहीं उस लेवल का काम, उस लेवल का तो होता ही नहीं लेकिन वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते। फिर भी देखते हैं, राज सांदलिया ने ऐसा बोला है कि भाई ड्रीम गर्ल 2 की शूटिंग ख़त्म होने के बाद मैं आपको अपना जो डिसीज़न है वो सुनाऊंगा। तो फिर क्या डिसीजन आता है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो यही अपडेट थी हेरा फेरी 3 को लेकर। धन्यवाद।